गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं योर एनिमे गाइस के चैनल को सपोर्ट करने की बात करने वाला हूं, तो प्लीज़ यार जाओ यार योर एनिमे गाइस को सपोर्ट करो, क्योंकि उसका ट्रेंड आ रहा है तो उसको तो सपोर्ट की ज़रूरत है, वरना वो क्विट कर देगा और मैं नहीं चाहता कि वो इतना अच्छा क्रिएटर क्विट कर दे, तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करो, मैं यही कहूँगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाओ सपोर्ट करो। तो आज के वीडियो के बताएं तो मैं अपने एक बेयब्लेड सीरीज लाने वाला हूं जो सबसे अलग होगी। मतलब देखो यहां पर जो मेरी बेयब्लेड सीरीज होगी इसका नाम होगा बेयब्लेड एक्सप्लोर स्ट्रीम, और इसमें ओरिजिनल सीरीज, मेटल सीरीज या फिर बेयब्लेड बर्स से रिलेटेड कुछ भी सीक्वल नहीं होगा। यानी कि जैसे मतलब टाइसन को ड्रैगन जो है वो स्वॉर्ड से मिला था, पर मेरी स्टोरी में टाइसन को ड्रैगन कुछ अलग तरह से मिलेगा, और पेगासस भी जिंगा को अलग तरीके से मिलेगा, और वॉल को वेल्टेक भी बहुत कुछ अलग तरीके से मिलेगा, वो मैं दिखाऊंगा। और इसमें इन्फिनिट और टॉप प्लेट की भी कैरेक्टर है, क्योंकि मुझे कैरेक्टर डिज़ाइन करने का मतलब कर नहीं सकता ना, इसलिए मैंने टॉप प्लेट और इन्फिनिटो से लिया है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इस सीरीज़ में तुम लोगों को बेयब्लेड की कोई सीरीज़ देखने की ज़रूरत नहीं, ना कि बेयब्लेड बर्स, बेयब्लेड मेटल या फिर बेयब्लेड ओरिजिनल, ना कि इन्फिनिटो ना टॉप प्लेट, बस तुमको मेरी वीडियोस ही देखनी होगी। मतलब मेरी सीरीज़ की वीडियो को देखने से काम हो जाएगा। मतलब तुम लोगों को ऐसा नहीं है कि टॉप प्लेट या फिर इन्फिनिटो देखना पड़ेगा जिससे हमें उस कैरेक्टर की स्टोरी बताओ, तो ऐसा नहीं है। बस ये जो स्टोरी होगी वो मैं फुल्ली बताने वाला हूँ, जैसे जिंगा को कैसे मिलेगा ड्रैगन, सॉरी जिंगा को कैसे मिलेगा पेगासस, ये वो मतलब कुछ अलग होगा। जैसे कि समझ लो, जैसे कि तुम्हें बेयब्लेड बर्स देखने के लिए बेयब्लेड ओरिजिनल या फिर मेटल देखने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बेयब्लेड मेटल देखने के लिए तुम्हें ओरिजिनल सीरीज की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही। मतलब एक बेयब्लेड की न्यू सीरीज होगी और नाम एक जैसे, क्योंकि इतने सारे नाम रखना मेरे बस की बात नहीं है, तो इसलिए मैंने नाम एक जैसे रखा है। जैसे टाइसन का नाम टाइसन ही है, जिंगा का नाम जिंगा, ये ऐसे ही मतलब एक जैसा नाम रखा है, क्योंकि इतने सारे नाम रखना मुश्किल होगा। और इसमें बाकी भी कैरेक्टर्स होंगे, बहुत से अलग अलग कहानी होंगी। तो ये सीरीज़ जो है मेरी फैन मेड सीरीज़, ये जल्दी आने वाली है, पर उससे पहले मुझे सब कैरेक्टर्स की जो मेन कैरेक्टर्स होंगे उनको पहले उनकी स्टोरी को रिवील कर देना होगा, जिससे तुम जब मेरी फैन मेड सीरीज़ को देखो जिससे तुम लोग समझ पाओ वीडियो में कि ये इसकी स्टोरी क्या है। तो आज मेरी बेयब्लेड एक्सप्लोर स्ट्रीम की फैन मेड सीरीज़ की जो कैरेक्टर है जिसका नाम है एंटोनियो, उसका जो ओरिजिन स्टोरी है आज मैं लाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो उसका नाम है एंटोनियो, वो WBBA के क्या कहते हैं मिस्टर डिकिंसन का पोता है। मतलब ये अलग यूनिवर्स की स्टोरी है ना, इसलिए मिस्टर डिकिंसन का वो पोता है, असल में कोई ऑफिशियल नहीं है, ठीक है ना। एंटोनियो जो है असल में ये फैनमेड सीरीज है, तो इसका स्टोरी बहुत अलग होगा, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये अलग यूनिवर्स का होगा, ये ओरिजिनल मेटल से मतलब सीक्वल नहीं रखेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मिस्टर डिकिंसन के पोते का नाम है एंटोनियो, और ये अभी तक 2 बार का वर्ल्ड चैम्पियन बन चुका है, और इसे तीसरी बार ये वर्ल्ड चैम्पियन बन पाएगा कि नहीं बेयब्लेड एक्सप्लोर स्ट्रीम में, या फिर बेयब्लेड एक्सप्लोर स्ट्रीम के हमारे मेन कैरेक्टर्स को हरा दे। तो मेन कैरेक्टर कौन होगा वो भी आपको आगे की जब मेरी सीरीज आएगी तब पता चलेगा। और जो मतलब एंटोनियो है बहुत ही शक्तिशाली बेयब्लेड है, और इसके बाद जो बेयब्लेड है उसका नाम है ब्लेज लाइजर, और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बेयब्लेड है। समझो यार भैया, 2 बार वर्ल्ड चैम्पियन बन चुका है, और वो अमेरिका से आया है, मतलब वो अमेरिका से है, उसने अमेरिका और जापान, अमेरिका और एक बार चाइना में उसने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता था। तो इसकी स्टोरी इतनी थी, और उसका बेयब्लेड के बारे में नाम बता दिया, और बाकी तो तुम्हें फैनमेड सीरीज़ में ही पता चलेगा। और इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, तो देखना मत भूलना, मैं इसको जल्दी लाने वाला हूँ न्यू सीरीज़। तो हाँ यार, वीडियो ख़त्म होती है, तो बिस्मिल्लाह।